नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी। आइपा मंच के लिए, आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, समस्याएं क्या हैं समाज की, उनको आम जनमानस तक पहुंचाने का काम हमारे संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। जो कि इसी क्रम पे आज बांदा के वरिष्ठ पत्रकार, जो कि नवकर्मयोग प्रकाशन के संपादक हैं श्री रामेश्वर गुप्ता जी, उनसे हम रूबरू करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, ये हमारे संस्थान के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जी, शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात, कि राजनीति का विकास कैसे हो, आज के वर्तमान हालात क्या हैं, परिदृश्य क्या हैं, उसको शासन प्रशासन तक तथा आम जनमानस तक पहुँचाने का काम किया जाता है जी। हमारे मंच को और आम जनमानस को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति अलग है और पत्रकारिता अलग है जी। तो पहले तो आप ये बताएं कि किस बिंदु पर आप बात करेंगे, पत्रकारिता पर या आज की मौजूदा राजनीति पर? जैसा कि हमारे मंच के माध्यम से राजनीति का विकास कैसे हो, जो वर्तमान में प्रचलित राजनीति का तरीका है, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं हैं तो उनमें क्या बदलाव होने की आवश्यकता है? आज की राजनीति तो बड़ी विभत्स हो गई। पहले की राजनीति में जो जनप्रतिनिधि होता था, वो क्षेत्र, जिला, प्रदेश और देश के स्तर से मिशनरीज भावना से काम करता था। लेकिन आज की जो राजनीति हो गई है वो धन नीति है। कोई भी अच्छा व्यक्ति जिसे समाज में स्थान प्राप्त है, समाज उसको अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहता है लेकिन बना नहीं सकता, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं होते। तो आज की जो राजनीति है वो विशुद्ध रूप से धनवानों के लिए है, माफियाओं के लिए है। तो सीधी सी बात है कि जब पैसे वाले, माफिया ये सब राजनीति में आ जाएंगे तो न तो उन्हें विकास से मतलब होगा, न जनता क्या चाहती है इससे उसमें सरोकार होगा। मेरा स्पष्ट सोचना है कि जब तक राजनीति से गुंडों को, माफियाओं को, आपराधिकत्व वालों को राजनीति से चुनाव आयोग अयोग्य नहीं ठहराएगा, शुरुआत में पर्चा ही न दाखिल करने देगा, तब तक तो समाज का कल्याण होने वाला है नहीं। उस पत्रकारिता, क्योंकि आपके इन वक्तव्यों को हम शासन प्रशासन तथा आम जनमानस, जो कि पत्रकारिता हित के विषय पे जो है, विकास कैसे हो, पत्रकारों का विकास कैसे हो, पत्रकारिता जगत पे जो है विकास कैसे हो जी, अनुशासन कैसे बने, पत्रकारिता पे किन किन बिंदुओं पर अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, विकास की कैसी दशा और जो है दिशा निर्णित हो। उस समय पर वीरेश्वर सिंह जी हुआ करते थे, एडवोकेट थे, राजा राम श्रीवास्तव होते थे, मैं उनके अखबारों में नाम भी बताता चलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। वीरेश्वर जी पायनियर के संवाददाता थे, जमुना प्रसाद बोस होते थे, वो हेरल्ड के थे, गोवर्धन दास त्रिपाठी थे, वो स्वतंत्र भारत का काम करते थे। राजा राम श्रीवास्तव इलाहाबाद से प्रकाशित नारायण इंडिया पत्रिका, उस समय संभवतः वो अमृत बाजार पत्रिका हुआ करती थी जी, के संवाददाता था जी। जिले में भी उस समय बांदा चित्रकूट एक था, एक एक आदमी चित्रकूट का विषय हुआ करते थे, बलदेव प्रसाद गुप्ता थे। अब मैं उस समय पर सबसे जूनियर व्यक्ति था, सोचता था कि कैसे मैं अपने कार्य को शुरू करूं,
नहीं तो दादा, तब की जो है पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में अंतर है, काफी उस समय चुनौतियां थी। मैं सब बताता हूँ। तो दिक्कत ये होती थी कि मैं सबके पास जाता था गुरु बनाने के लिए, पर दुर्भाग्य मेरा यह था कि कोई भी व्यक्ति मुझे लिस्ट नहीं दे रहा। उस समय पे जयचंद गौ प्रताप देखा करते थे जी, संयोग से उन्होंने मुझे आश्रय दिया। उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। हम लोग अपने पैसे लगाकर लोगों के दुख दर्द को शासन और प्रशासन तक भेजते थे जी। कभी भी उस जमाने के पत्रकारों ने पीड़ित व्यक्ति से रिक्शे का किराया तक नहीं लिया। उस समय के पत्रकारिता में जो अखबार में पीड़ित की आवाज छपती थी, प्रशासन उसको बहुत महत्व देता था। और उसके मुकाबले में आज की पत्रकारिता, कहने में बड़ा दुख होता है कि पत्रकार मशीनरी भावना ही छोड़ चुका है। मजबूरी है उसके सामने, पत्रकारिता भी महंगी हो गई है, अखबार भी महंगे हो गए हैं। उस समय जीवन यापन का सहारा पत्रकारिता नहीं थी जी। जितने नाम मैंने बताए, कोई वकालत करता था, बहुत अच्छे अच्छे वकील थे, कोई नेता थे, जमुना प्रसाद बोस नेता थे, वीरेश्वर जी वकील थे, राजेश्वर श्रीवास्तव जी सिविल के बहुत बड़े वकील थे। तो उस समय पर अब मैं अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा कि उस पीरियड की पत्रकारिता में और आज में क्या परेशानियां आती थी, जो चुनौतियां क्या थी उस पीरियड? मैं वही बता रहा हूँ। गांधी के बाद मैं जागरण में आ गया, जागरण के आने के बाद मैं UNI में आया, ऑल इंडिया रेडियो मेरे पास था। उस समय प्रशासन, गलत ना हो कहना, हम लोगों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहता था। मैंने जो खबरें भेजी वो नेशनल स्तर तक की UNI में छपती थी, SPDM सब उसको देख के उस पर कार्रवाई तक कर देते थे। आज हम चाहे जितना एक पेज भर दें, चाहे नेशनल अखबारों में छाप दें, शासन और प्रशासन में उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा क्या कारण क्या है दादाजी? उसका कारण सिर्फ ये है कि उस समय का पत्रकार स्वयं में बहुत ईमानदार था। भ्रष्टाचार से, अनैतिक कामों से उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसकी इज्जत होती थी। आज का जो पत्रकार है, आप तो हमारे संस्थान में भी काम कर चुके हो जी, खुद का भी तो आपका अनुभव है जी जी, कि आज का पत्रकार क्या कर रहा है। खनिज खदानों में जाता है, वहां से पैसे लेने का दबाव डालता है, जुए के अड्डों में जाता है, शराब के अड्डों में जाता है। तो ये बताइए कि जब पत्रकार अर्थ में उलझ जाएगा, अनैतिक लोगों से संबंध बनाकर उनकी जी हुजूरी करके या उनके विरुद्ध छाप के पैसा प्राप्त करेगा, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार की कोई इज्जत रहेगी क्या? सही है, लेकिन इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं पर सुधार किया जा सकता है दादा? अब इसमें सुधार कैसे आएगा भाई, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो पूरे प्रदेश की स्थिति बताऊंगा, या मुझे ज्ञान है कि सब जगह यही स्थिति हो गई है,
चाहे ये बड़े बड़े अखबारों के रिपोर्टर हों, चाहे टेलीविज़न के रिपोर्टर हों, मेरी जानकारी है किसी चैनल में आपको काम करना है, काम करने के लिए आपको पैसे देना पड़ते हैं, जब आप पैसा दोगे तो आप उस पैसे को वसूल भी करोगे। जैसे आज का MLA MP करोड़ों 10 करोड़ रुपया खर्च करता है, तो पहले तो वो अपने रुपए वसूल कर रहा है, तो कहाँ से राजनीति में शुचिता आएगी, आप बता दीजिए, कहाँ से पत्रकारों में शुचिता आएगी। क्रेज यही है, यही कारण है पत्रकारिता का क्रेज गिरने का, यही कारण है कि आज पत्रकारिता का ह्रास हो गया है। जो अच्छे व्यक्ति हैं वो गिनतियों में, राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए कि अब गोदी मीडिया बंद हो गया है, कितना लाभ ले रहा है। अखबारों को देख लीजिए, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उन्हें विज्ञापन मिलता है, उन्हीं के ऊपरों समाचार भेजते हैं, तो न तो वह पत्रकार का की इज्जत समाज में है और न प्रशासन में है। प्रशासन भी जानता है कि इनको पैसे चाहिए। नहीं, खासकर अर्थ की बात करें तो हर व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता होती है आज के युग पे, और जैसा कि जो पत्रकार हैं या फील्ड पे वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए ना शासन स्तर से ना सरकारों के द्वारा किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, और सहयोग ना होने पर जो है, और पत्रकार को जो है पत्रकारिता अपनी करनी है, अपना वर्क करना है, फील्ड पर जाना है, तो उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस अर्थ के प्रबंध में आप सरकारों को और शासन प्रशासन को क्या दिशा निर्देश या क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, शासन को निश्चित रूप से इस संबंध में पत्रकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, जो आज नहीं दी जा रही, अन्यथा पत्रकार परिवार चलाने के लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो उसे दाएं बाएं करना ही पड़ेगा। इसमें पत्रकार का कसूर नहीं है, इसमें सबसे बड़ा कसूर शासन प्रशासन का है कि आप कई प्रदेशों में, हम आज मैं उपजब में रहा हूँ, अभी भी हूँ, हमेशा मांग की गई कि भाई पत्रकारों को आर्थिक सहायता दी जाए जी। तो एक कदम तो खैर मध्य प्रदेश ने बढ़ाया, पहले उसने 5,000 रुपये किए, फिर 10,000 रुपये वो देने लगा है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सुविधा नहीं। मुझे याद है मैं 1970 के बीच की बात है, उस समय पर वहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता देने की बात की थी, पहली मान्यता कि पत्रकारों को मान्यता दी जाए। तो उस समय पे हमारे अखबारों के नेता विक्रम राव हुआ करते थे, विक्रम राव ने पूछा कि भाई ठीक है, आप हमें मान्यता देंगे तो उस मान्यता के बदले में आप हमसे क्या चाहेंगे और हमें क्या सुविधा देंगे। कुछ इस प्रकार की बातें हुई कि उसमें फंस गया प्रशासन शासन। विक्रम राव ने कहा हमें आपकी कोई सुविधा नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। ये थे हमारे बांदा के वरिष्ठ पत्रकार जो कि श्री रामेश्वर गुप्ता जी हैं और नवकर्मयुग के संपादक भी हैं। इन्होंने पत्रकारिता जगत के शुरुआती दौर को देखा और आज के वर्तमान दौर को भी देख रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या सुधार करने की आवश्यकताएं हैं उन्होंने बताया। आपने समय दिया हमारे संस्थान के लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए।